डायमीटर सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल है, एक वृत्त है, उसका व्यास, परिधि और क्षेत्रफल, ये कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए हमें पाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूलाज हैं डायमीटर का, टू टाइम्स आर जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसका दो गुना होता है व्यास। परिधि है वो टू पाई गुना होती है, दो पाई से गुणा कर त्रिज्या को गुणा करने पर आती है, और क्षेत्रफल त्रिज्या का स्क्वायर करके उसको पाई से गुणा करने पर आता है। तो हमें पाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो पाई की वैल्यू 3.141593.14159 ये ले लेनी है। प्रोग्राम लिखें तो ये बहुत आसान प्रोग्राम है। डिफाइन पाई इक्वल टू 3.14159 कर दिया, इसी का डिफाइन किसका, हम यहाँ फ्लोट भी लिख सकते हैं, फ्लोट पाई, ये फिर यहाँ इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा और लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। आर डी और सी, आर डी सी ए को डिक्लेयर किया, आर रेडियस के लिए, त्रिज्या के लिए, डी डायमीटर व्यास के लिए लिया है, सी सर्कमफेरेंस मतलब परिधि के लिए काम में लिया है, ए एरिया मतलब क्षेत्रफल के लिए काम में लिया है। रेडियस त्रिज्या की वैल्यू रीड करते हैं, पढ़ते हैं, बाद में डी डायमीटर निकालते हैं, तो डायमीटर रेडियस का दोगुना होता है, टू स्टार आर कर देते हैं। सर्कमफेरेंस टू पाई आर होती है, तो दो और पाई, पाई ऊपर जो डिफाइन किया था उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई ऊपर के लिख रखा है, पाई को आर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तीनों को प्रिंट कर देते हैं। बहुत ही आसान प्रोग्राम है। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक त्रिभुज लेना है और उस त्रिभुज को काम में लेना है और बताना है कि जो त्रिभुज हमने काम में लिया है ये मतलब कुछ उसकी भुजाएं हैं, जो उसकी आर्म्स हैं, जो उसकी साइड्स हैं, उनको रीड करना है उनकी वैल्यू को और बताना है कि वो साइड्स ट्राइंगल की हैं या नहीं है। तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन होती है ट्राइंगल की किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ो तो तीसरी भुजा से बड़ी हो जाती है उसकी वैल्यू, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से ज़्यादा होता है, तीसरी भुजा के मान से ज़्यादा होता है, मतलब एडिशन ऑफ एनी ऑफ द टू आर्म्स, टू साइड्स इज लार्जर देन थर्ड साइड, ये त्रिभुज की कंडीशन होती है। प्रोग्राम लिखते हैं, तो ए बी सी और एम को डिक्लेयर किया प्रोग्राम में, जिसमें ए बी सी ट्राइंगल की भुजाएं हैं और एम उनमें मैक्सिमम कौन है वो है, नहीं एम कोई नया एक डमी वेरिएबल काम में लिया जो कैलकुलेट करूँगा। ए बी सी जो भुजाएं उनको रीड किया, पढ़ा, बाद में यदि ए सबसे बड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जो छोटा है, जो छोटी आर्म ले ली है उसका, उससे तो जो बड़ी आर्म से उनका एडिशन हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो हम देखते हैं कि जो दो छोटी आर्म्स हैं उनका जोड़ा जाए और बड़ी वाली आर्म्स को उसमें से घटा दिया जाए, तो क्या वैल्यू आती है वो एम को असाइन कर देते हैं। वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से ज़्यादा ही होता है ट्राइंगल के लिए। तो ए ग्रेटर देन बी है, उसके अंदर ए ग्रेटर देन सी लिख दिया। यदि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ए सबसे बड़ा है, तो B और C छोटी आर्म्स हैं, छोटी भुजाएं हैं, B और C को ऐड किया, A घटा दिया, तो M की वैल्यू B प्लस C माइनस A कर दी। यदि ऐसा नहीं है, A B से बड़ा है लेकिन C से बड़ा नहीं है, तो M इक्वल टू A प्लस B माइनस C कर दी, क्योंकि सबसे बड़ा C है। यदि A B से बड़ा नहीं है तो B A से बड़ा है और B ग्रेटर देन C की कंडीशन डाल दी। यदि B C से बड़ा है तो m इक्वल टू ए प्लस सी माइनस बी कर दिया, क्योंकि b सबसे बड़ा है, एल सी सबसे बड़ा है, तो m इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी कर दिया। इस तरह से हमने m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। m क्या किस तरह से कैलकुलेट किया है, यहाँ पर m इस तरह से कैलकुलेट किया है कि जो दो छोटी आर्म भुजाएं हैं उनको जोड़ा है, स्मॉल आर्म स्मॉल साइड से उनको ऐड किया और जो लार्जर साइड थी, जो बड़ी भुजा थी, उसको घटा दिया। अब यदि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की भुजाएं हैं, तो m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। यदि ये ट्राइंगल नहीं है तो वो पॉजिटिव नहीं होगा।
तो हमने वो प्रिंट कर दिया। यदि एम ग्रेटर देन जीरो है तो ये प्रिंट कर देगी ये ट्राइंगल की भुजाएं हैं, यदि एम ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो ये ट्राइंगल की भुजाएं नहीं है, प्रिंट कर दे। राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है इसमें पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लगती है। इसमें एक कर्ण होता है जिसको मैंने यहाँ एच से डिनोट किया, हाइपोटेन्यूज। एक बेस आधार होता है जिसको बी से डिनोट किया है। एक परपेंडिकुलर होता है पी जिसको पी से डिनोट किया है। ये तीन ट्राइंगल की आर्म्स हैं, राइट ट्राइंगल की आर्म्स हैं। तो राइट ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के एडिशन के समेशन के बराबर होता है। मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के संकलन के तुल्य होता है। यहाँ एच सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ पर पिछले प्रोग्राम को फॉलो करते हुए एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ एम सिंपली एम होने की बजाय जो दो छोटी भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, और तीसरी जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करके घटा देते हैं, और वो एम को असाइन करते हैं, और सब कुछ उसी तरह से रहेगा। यहाँ पर यदि एम की वैल्यू जीरो है, मतलब दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का एडिशन करके बड़ी भुजा उसमें से बड़ी भुजा का स्क्वायर घटाने पर यदि जीरो मिलता है तो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। तो एम की वैल्यू जीरो है तो वो समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट ट्राइंगल है, प्रिंट कर दिया। ये राइट ट्राइंगल है, अन्यथा प्रिंट कर दिया, ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। इसके अलावा ई जो मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए, और ई टू द पावर एक्स कैलकुलेट करने के लिए। फैक्टोरियल क्या होता है? कोई भी हमें नॉन नेगेटिव नंबर रीड करना है और उसका फैक्टोरियल निकाल कैलकुलेट करना है। दूसरा प्रोग्राम है ई, जिसमें वन अपॉन फैक्टोरियल कोई भी नंबर है उनका एडिशन होता है वो कैलकुलेट करना है, और तीसरा एक्स अपॉन सम एक्स की कोई पावर है और वो पावर का ही फैक्टोरियल से एक्स को डिवाइड कर दिया वो प्रिंट करना है। तो इनको वन बाई वन करते हैं। पहला फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है? तो कोई नंबर एन है, उस पॉजिटिव नंबर एन है उसका फैक्टोरियल होता है एन, यदि एक के बराबर या इससे बड़ा है तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू इन सबका मल्टीप्लीसन वहाँ तक जहाँ तक वन आ जाए वहाँ तक मल्टीप्लाई करें वो होता है। यदि एन की वैल्यू जीरो है तो फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू वन होती है। इसके लिए हम सुडो कोड या एल्गोरिथम लिखें। तो रीड एन, एन की वैल्यू रीड करो, पढ़ो। एक डमी वेरिएबल आई लो जिसको टू असाइन कर दिया। एक दूसरा डमी वेरिएबल फैक्टर लो जो फैक्टोरियल बनेगा उसको वन असाइन कर दिया। अब आई की वैल्यू जब तक एन के बराबर या उससे कम है तब तक एक लूप में डाल दिया, वाइल लूप में, जिसमें फैक्ट की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई की वैल्यू एक से इंक्रीज कर दो और फैक्ट को प्रिंट कर दो, ये फैक्टोरियल को प्रिंट कर देगा। इसका फ्लो चार्ट बनाए। तो आई की वैल्यू टू ली, फैक्ट की वैल्यू वन ली, एन को रीड किया, आई जब तक एन से छोटा या बराबर है तब तक ये लूप चलता रहेगा, लूप में फैक्ट को की आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई को एक इंक्रीज कर दिया, मतलब आई की वैल्यू टू, फैक्ट की वैल्यू फाइव, एन की वैल्यू फाइव रीड की है तो आई की वैल्यू टू फैक्ट को टू से मल्टीप्लाई करेगा, वन ऑलरेडी आई गया, वन मल्टीप्लाई बाय टू, बाद में आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी, थ्री से मल्टीप्लाई करेगा, फोर से एंड फाइव से मल्टीप्लाई कर देगा, बाद में फैक्ट को प्रिंट कर देगा जो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। प्रोग्राम देखें तो आई इक्वल टू टू, फैक्ट इक्वल टू वन के लिए इसी प्रोग्राम में आई इक्वल टू टू सेमीकोलन, फैक्ट इक्वल टू वन सेमीकोलन लिखेंगे। रीड एन के लिए स्कैन एफ में कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी और एम परसेंट एन लिख देंगे। वाइल कंडीशन लूपिंग वाली कंडीशन है वो है, तो वाइल में आई लेस देन इक्वल टू एन लिख देंगे। आगे कैलकुलेशन असाइनमेंट है तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई को फैक्ट स्टार आई को स्टार इक्वल टू आई लिख देंगे, आई इक्वल टू आई प्लस वन को आई प्लस प्लस लिख देंगे, और प्रिंट फैक्ट को प्रिंट करना वहाँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देंगे। वो सबको एक साथ लिखेंगे तो ये एक प्रोग्राम बनेगा जिसमें एडर फाइल इंक्लूड किया stdio.h, मेन फंक्शन के अंदर आई एन और फैक्ट को डिक्लेयर किया है इंटीजर, आई को टू असाइन कर दिया, फैक्ट को वन असाइन कर दिया, बाद में कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर इनपुट में देना है जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है उसको रीड किया स्कैन एफ में,
कंडीशन लगा दी, आई की वैल्यू जब तक एन से कम या बराबर है तब तक वाइल कंडीशन, वाइल लूपिंग रिपीटेशन स्टेटमेंट चलेगा, फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई किया, आई प्लस प्लस किया और लास्ट में फैक्ट को प्रिंट कर दिया। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का जिसमें ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसमें फॉर्मूले में ई इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता है। तो यहाँ पर हम एल्गोरिथम लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। पिछली बार हमने कंडीशन डाली थी कि एन तक लूपिंग चलेगी, इस बार लूपिंग हमें नहीं पता कहाँ तक चलेगी क्योंकि ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब तक ये वन अपॉन फैक्टोरियल एन है ये बहुत छोटा ना हो जाए तब तक हमें ये कैलकुलेशंस करनी है। तो हमने यहाँ एक कंडीशन डाल दी कि जो भी वन अपॉन फैक्टोरियल एन की वैल्यू 0.0001 से ज़्यादा है तब तक ये ऐड कर ले सबको। तो इस बार आई जो डमी वेरिएबल है उसको वन असाइन किया, सम को भी वन असाइन कर दिया, टर्म को वन असाइन कर दिया। बाद में कंडीशन डाल दी कि जब तक कि टर्म की वैल्यू 0.0001 से ज़्यादा है तब तक ये लूप चलता रहे। जब हमारा टर्म है वो एक रियल वेरिएबल है, इसी तरह सम भी रियल वेरिएबल होगा। डिवाइड टर्म बाई आई, जो टर्म है उसमें आई का भाग दे दो, आई का भाग देने पिछली बार मल्टीप्लाई किया था, इस बार आई का भाग दे रहे हैं जिससे ये फैक्टोरियल बनता जाएगा, हर बार बनता जाएगा। टर्म है उसमें सम है उसमें टर्म को ऐड कर दो, ये टर्म की वैल्यू है वन अपॉन फैक्टोरियल कैलकुलेट होती जा रही है, पिछली बार मल्टीप्लाई किया था इस बार डिवाइड कर रहे हैं वो बनता जा रहा है, और बाद में सम में वो वैल्यू ऐड कर दो, आई की वैल्यू इंक्रीज कर दो और लास्ट में सम को प्रिंट कर दो। इसी के लिए हम फ्लो चार्ट बनाएं। तो फ्लो चार्ट में स्टार्ट आई इक्वल टू वन, सम इक्वल टू वन, टर्म इक्वल टू वन, टर्म ग्रेटर देन 10^-4, तो कैलकुलेशंस करते जाओ। इसका मतलब ये एक्यूरेसी देगा, 10^-4 की एक्यूरेसी देगा जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेगा। और प्रोग्राम लिखें तो प्रोग्राम में वाइल स्टेटमेंट जो फैक्टोरियल के लिए था ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोग्राम होगा, टर्म ग्रेटर देन 0.0001 होगी, टर्म लेस देन इक्वल टर्म इक्वल टू टर्म अपॉन आई और सम इक्वल टू सम प्लस टर्म आई प्लस प्लस, प्रिंट ऐप में सम को प्रिंट कर दिया।